गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर हमारा आपको पता है डेटा एंट्री। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, बुक में आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो। क्या लिखा है? ये मार्क्स है मैथ सब्जेक्ट का 15 स्टूडेंट का। कितने स्टूडेंट का? 15 स्टूडेंट का ये मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? तो बोला मोड, आपको मोड फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है? मेजर। पहले तो आप मोड निकालोगे, फिर क्या निकालोगे? मीडियन। और फिर बाद में चेक करना है कि ये दोनों सेम है क्या, दोनों इक्वल है क्या। ये चीज हमें करनी है सॉल्व। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप मोड निकालेंगे। मोड निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। तो मोड के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप अरेंज करेंगे डेटा को, मास को अरेंज करेंगे। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। मैं असेंडिंग ऑर्डर में करता है, आप की मर्जी, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले 5, फिर 10, क्रॉस करते जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 5, 10 से पहले आपका 9 आएगा, फिर क्या आएगा? 10, फिर 9 हो गया, 10 हो गया, देन अब काउंट करो 10 के बाद 15, 12 आएगा, 12 के बाद क्या आएगा? 15, ये 12 हो गया, फिर 15 हो गया, अब क्या आएगा? 16, ठीक है, 16 आ गया, ये भी फिनिश हो गया। लिखने का मेथड है, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है। जब भी हम अरेंज करेंगे डेटा को तो क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए क्रॉस करते रहेंगे तो आपको एक आइडिया मिलता रहेगा क्या 1, 2, 3, 4। आपको आइडिया मिलता रहेगा कोई जो मार्क्स है, कोई डेटा है, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। 20 होगा, अब इसके बाद क्या 23 आएगा, 23, 24, 25, 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
occur होता है, occur most frequently observation mechanism है जो MOMO। तो देखो जरा कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार आया है, maximum time आया है? Yes, 20। आपको दिखेगा 20, 20 कितने time आया है? 4 time। और हमारा 25 2 time। जो maximum time आया होता है वही उसका क्या होता है? MOMO होता है। तो maximum time कौन सा है? 20। तो हमारा MOMO क्या होता है? अब क्या क्या हो गया? मीडियन। ये हो गया हमारा पहला। अब क्या निकालना है? मीडियन। सपोज ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। तो मीडियन क्या हो? मीडियन निकालने के लिए दो मेथड है। पहला कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड होता है, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा इवन होता है। तो हम पहले काउंट करेंगे, तो काउंट करेंगे कितना आया था? 15। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस n, स्मॉल n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस स्मॉल n कितना है हमारा? 15 है। और ये क्या रहा हमारा? ऑड है। और जब ऑड होता है तो मीडियन निकालना बहुत इजी है। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू n बाय n by 2 plus 1, n plus 1, stay for it, n plus 1 observation, ये होता है। जब हमारा ये odd होता है, number of observation क्या जाता है? उसके plus 1 करके 2 से divide कर देते हैं, उस place पे जो observation, जो data होता है, वही हमारा median होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे n प्लस वन एन में
माइनस 50 प्लस 1 बाय 12 ऑब्जर्वेशन इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 50 प्लस 1 60 बाय 2 कितना आ जाएगा 2 into 2 8 16 ये कितना है एथ ऑब्जर्वेशन इसको परफॉर्म करेगा एथ ऑब्जर्वेशन का मतलब 8 प्लेस पे काउंटिंग करेंगे आठवें नंबर पे 8 प्लेस पे जो डेटा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन और ये काउंटिंग कब करोगे जब उस डेटा को आप अरेंज कर दो पहले ही या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लियर है ना तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर पे क्या आ रहा है 20 ये हमारा क्या हो जाएगा देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20 ये हमारा मोड हमारा कितना हो 20 और मेजर ने हमने फाइंड आउट किया तो 20 क्लियर है तो दोनों सेम है क्या पूछ रहे सेम है वो था इक्वल तो लास्ट में क्या लिखोगे यस यस मीडियन एंड मोड आर इक्वल या बोथ आर इक्वल यस बोथ आर इक्वल सबसे नीचे की लाइन जो होगी हमारा ये हो गया बोथ आर यस बोथ आर इक्वल बोथ मीन्स मोड और मीडियन दोनों क्या है इक्वल क्लियर हुआ क्या अगर यही हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवेंट होता इवेंट तो आपको हमने फार्मूला लिखवाया है क्या है इसमें याद कर लो एक बार ऑड वाला तो इजी है इवन वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट वो भी इजी है तो आप उसको कर सकते हो क्लियर है तो आप इसको कर लेना एक्सरसाइज 3.2 मैं एक और क्वेश्चन करेगा क्वेश्चन नंबर टू कर दें और उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन जो है उसमें करेगा क्वेश्चन नंबर टू मैं कर देता है बाकी 3, 4, 5 आपको करना है कर लोगे ना 3, 4, 5 कोई डाउट तो नहीं होगा उसमें ठीक है क्वेश्चन नंबर टू आप जरा रीड करो क्वेश्चन नंबर टू को रीड करो क्या क्वेश्चन नंबर टू एक क्रिकेट मैच हो रहा है उसमें प्लेयर्स भी स्कोर दिए गए हैं कितने प्लेयर होते हैं 11 प्लेयर होते हैं और 11 प्लेयर ने स्कोर दिया होता है क्रिकेट मैच का सबसे पहले आप इसको क्या करोगे अरेंज करोगे ऑर्डर में या तो सेंडिंग या तो डिसेंडिंग जो स्कोर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर टू में इसको बने इसका इसको 11 प्लेयर होते हैं 6 15 120 15 क्या निकालना है आपको इसमें आपको निकालना है मीन मीडियन मीन निकालना है फर्स्ट सेकेंड क्या निकालना है आपको सेकेंड क्या निकालना है तो मोड सेकेंड मोड निकालना है और थर्ड निकालना है आपने मीडियन तीन निकालना है तीनों चीजें निकालनी है इसमें आपको मीन मीडियन मीन मोड और मीडियन तीनों निकालना है और चेक करना है कि तीनों सेम है क्या तीनों सेम है क्या तो कैसे करेंगे स्टार्ट सेम वही चीज सॉल्व करेंगे इसको सबसे पहले आप सॉल्व करने लिखने से पहले आप फिर अरेंज करोगे इसको तो किस ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे आप डिसेंडिंग भी करेगा प्रोसेस सेम है डिसेंडिंग का भी प्रोसेस सेम है कुछ भी डिफरेंट नहीं है सबसे पहले क्या आएगा आपका सिक्स आएगा सबसे स्मॉलेस्ट सबसे कम स्कोर हमारा सिक्स है फिर उसके बाद क्या है एट है फिर उसके बाद एट के बाद क्या आएगा टेन वन टू टू टाइम टेन टू टाइम टेन है सिक्स हो गया हमारा एट हो गया हमारा टेन टू टाइम हो गया अब इसके बाद क्या आएगा फिफ्टीन फिफ्टीन और फिफ्टीन फिफ्टीन फिनिश हो गया फिफ्टीन फिफ्टीन अब क्या आएगा हमारा क्या आएगा बताओ फिफ्टी देन इसके बाद एटी फिफ्टी हो गया एट्टी हो गया बचा गया हंड्रेड सेंचुरी भी मारा किसी ने
क्लियर है? तो 3, 4 और 5 आप करेगा, इस हिसाब से आपका चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो गया और आप 3, 4, 5 कर लेगा। कल हम न्यू टॉपिक बार ग्राफ हम यूज करेगा। क्या करेगा? बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा ऑन ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा ऑन ग्राफ पढ़ेगा। इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक है और मे बी लास्ट टॉपिक है कि किसी डेटा को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें है बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ये दो चीजें पढ़नी है, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। ठीक है, बहुत इजी है, कल इसका इंट्रोडक्शन होगा, एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।